जा रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर, किस तरह कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास हो रहे हैं, किस तरह पीस रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है, किस तरह युवाओं को एक नई दिशा देने के प्रयास हो रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो टेररिस्ट होते थे, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, वो जब कोई टेररिस्ट मरता था तो उसकी जो जनाजा निकाला जाता था या फिर जो उसको दफनाया जाता था उसका बहुत ही ग्रैंड तरीके से वो फ्यूनरल किया जाता था, जिससे होता ये था कि बहुत सारे युवा इसको देखकर ऐसा सोचते थे कि ये बहुत ही कोई अच्छी चीज है, कोई इस तरह से इनको सम्मान दिया जा रहा है, तो वो भी जाकर टेररिस्ट आउटफिट्स ज्वाइन कर लेते थे, गायब हो जाते थे अचानक से युवा, और पता चलता था वो सरफेस होते थे एक टेररिस्ट की तरह। तो सरकार ने इस पूरे फिनोमेना को पहचाना, समझा और उस दिशा में काउंटर टेररिज्म की दिशा में नीति बनाई और उस दिशा में प्रयास कर रही है। भारत में कश्मीर में जो कि भारत का अभिन्न अंग है उसमें शांति बहाली के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं जो पिछले 30 सालों में नहीं हुए, जो पॉपुलर सरकारें रही वो इस तरह के फर्म डिसीजन लेने से बचती रही, शायद उनको लोगों में पॉपुलैरिटी खोने का डर था या जो भी वजह रही हो, लेकिन अब क्या स्थिति है कश्मीर में, कश्मीर नीति को लेके क्या बदलाव हुए हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आशा खोसा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और कश्मीर एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। कश्मीर को लेके प्रशासन की, सरकार की नीति में क्या बड़ा बदलाव आया है? पूर्णिमा, जिस तरफ आप इशारा दे रही थी हम आज उसी की बात करते हैं। वाकई 30 साल के बाद पहली बार सरकार ने एक ऐसा कदम लिया है जो शायद इन्हें बहुत पहले लेना चाहिए था, और उससे हालात आज जैसे हैं वैसे नहीं होते, काफी सुधर गए होते। देखिए, कश्मीर में जैसे आपने बताया कि कोई टेररिस्ट जब मरता है तो उसके लिए उसकी जो बॉडी होती है वो सौंप दी जाती है उसके पेरेंट्स को, या उसके जो भी घर वाले होते हैं उनको सौंप दी जाती है। उसके बाद जैसे वहां का रिवाज है कश्मीर में, उसका जनाजा बहुत बड़े तर्ज पे होता है। आसपास के हजारों लोग उसकी उसके जनाजे में शामिल होते हैं वहां वहां, और उस मजमे में सबसे ज्यादा नौजवान लोग होते थे। तो कुल मिला के वहां एक ऐसा सीन बनता था, चाहे वो छोटे कस्बे में हो, गाँव में हो, शहर में हो, कि उसकी बहुत तारीफ होती थी। जो टेररिस्ट होता था जिसने बंदूक उठाई थी उसकी तारीफ होती थी, और उसका इतना शानदार जनाजा जाता था कि जो यंग बच्चे हैं वहां के उनको ये लगता था कि ये तो शहादत एक बहुत बड़ी चीज है, इसने शायद बहुत बड़ा काम किया है, जो कि और उसको इतनी इज्जत मिली। देखिए, जब जनाजे में हजारों लोग आते हैं तो आप बहुत बड़े आदमी कहलाए जाते हैं, तो उस वजह से काफी नौजवान जो थे उनको लगता था कि ये एक बहुत अच्छी बात है, टेररिस्ट बनना या जिसे वो मुजाहिदीन कहेंगे वो बनना है बहुत फख्र की बात है। और काफी उस गांव के आसपास के इलाके में काफी बच्चे जो है वो गायब होना शुरू हो जाते थे, नौजवान लोग, और एंड में जब एक दो महीने के बाद पता चलता था वो सबके सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए होते थे, कुछ मर गए होते थे। तो ये फिनोमेनन को रोकने का काम जो है वो इस सरकार ने किया, वो ऐसे किया कि अब उन्होंने टेररिस्ट की बॉडीज उनके पेरेंट्स को देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई बेहुर्मती होती है, टेररिस्ट की बॉडीज को ले जाके उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले जो होते हैं उनके साथ ले जाके पुलिस एक अज्ञात जगह पे दफना देती है बहुत पूरे रिचुअल्स के साथ, लेकिन मजमा जो होता है, जो इतना बड़ा होता था, उसे खड़ा नहीं किया जाते। तो इस समय अब सरकार इस नीति पर चल रही है कि नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, जो एक मोटिवेशनल इवेंट होता था कि टेररिस्ट लीडर्स हैं उन वो इस तरह का मजमा इसलिए जुटाते थे ताकि यंग जो ब्लड है उसको वो शामिल कर सके टेररिस्ट आउटफिट्स में, और जब शोक मनाने के लिए, दफन करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जब उनको बॉडी सौंप दी जाती थी तो उसके बाद ये जानबूझकर किया जाता था। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब इतनी मेहनत से, इतनी इंटेलिजेंट इनपुट्स के साथ और इतनी प्लानिंग के साथ जब इन टेररिस्ट के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले करती थी या उनको ढेर करती थी, उसके बाद जब ये जनाजे निकले जाते थे तो इस तरह से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता था। जब
और 10 खड़े हो जाते थे उन इस पूरे जो मजमा है उसको देखकर। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो आर्मी है या पुलिस फोर्स है कश्मीर में, उनकी मेहनत पे पूरी तरह पानी फेरने की कोशिश थी और इनडायरेक्टली हमारे जो कश्मीर में युवा हैं उनको गलत दिशा देने के प्रयास। बिल्कुल ऐसा ही होता था कि सिक्योरिटी जो जो सर्कल्स है उनमें ये कहा जाता था कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक टेररिस्ट को मारने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, स्थानीय लोग जो है वो हमारा साथ देते हैं। देखिए इनपुट हमेशा लोकल लोगों से आता है, यह हमें समझना चाहिए। हम उनको दिखा नहीं सकते क्योंकि उनको मार डालेंगे, लेकिन जो टेररिस्ट कहाँ छुपा है वो आपको लोकल ही बता सकता है। तो वहाँ की जनता की भी इसमें मेहनत होती है, उनका भी योगदान होता है। तो उनको लगता था कि हमने एक टेररिस्ट को मारा और उसका जनाजा इतना बड़ा खड़ा कर दिया जिससे कि 4 टेररिस्ट और पैदा हो गए, तो हमने क्या कमाल कर दिया। ये एक सोच जो थी काफी सालों से, खास करके जब से ओसामा बिन लादिन का किस्सा हुआ था और उसको अमेरिकन सील्स ने जो पुरतेखाक करते हैं उन्होंने समुद्र में डाल दिया था। और इस्लाम में इसकी भी इजाजत है, ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं, कोई बेहुर्मती नहीं होती है वो। खैर उन्होंने पॉलिटिकल रीजन से किया कि इसका, तो तब से ये बहुत चर्चा जो है वो दबी जुबान में नहीं होती थी, आम जुबान में होती थी कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, हम क्यों टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन समझ सबकी आती थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, टेररिज्म टेररिज्म है, उसको ग्लोरीफाई नहीं करने दे सकते हम, और एक टेररिस्ट की वजह से 4 और हम पैदा नहीं कर सकते। तो लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती थी कि इसे रिवर्स किया जाए। आपको मैं एक चीज और बता दूं पूर्णिमा, ये जो अभी भी इन्होंने रोक लगाई है कि टेररिस्ट की बॉडी हम उसके गांव में नहीं जाने देंगे, ये एक बहाना लेके किया गया है कि कोविड फैला हुआ है इसलिए हम, देखिए कोविड की वजह से नहीं नहीं गांव में नहीं जाएगी, हम उसको दफना देंगे, उसके पेरेंट्स के घर वाले आ सकते हैं, उनको बुलाया जाता है बाकायदा। लेकिन अब चैलेंज ये होगा कि एक बार कोविड खत्म हो गया और ऊपर वाला कह रहा है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए, क्या फिर हम ये मेंटेन कर सकते हैं ये प्रेशर जो हमने बनाया है जी, तो ये भी एक चैलेंज रहेगा। लेकिन अब शुरुआत होगी इस चीज की और लोगों को भी, लोग कोई चूचा नहीं कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स है चुपके से आते हैं बिकॉज वो दे। और दूसरी बात मैं बताऊं, इस पूरे इवेंट की वीडियोग्राफी होती है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है जी। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि इसमें नया प्रोटोकॉल क्या है, पुलिस जो है वो आतंकवादी के मारे जाने के बाद उसका डीएनए लीगल ट्रांसपेरेंसी और लीगल पर्पस के लिए उसको प्रिजर्व भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल को ऐसा हो सकता है नहीं फला नहीं मरा था, कोई और मरा था, तो बहुत लीगली सब प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी ली जाती है, उसका डीएनए प्रिजर्व किया जाता है और पूरी वीडियोग्राफी होती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स को, घर वालों को इत्तला दी जाती है, उन्हें लाया जाता है या वो खुद आते हैं, कभी कभी उन्हें लाया जाता है एक अज्ञात जगह में। वो है कि उसपे आप ये जो टूम स्टोन होते हैं वो नहीं रख सकते, उसको दफनाया जाता है, मौलवी साहब बुलाते हैं और वो अच्छे से उनको अपने जो रिलीजियस रीति रिवाज होते हैं उनसे दफना दिए जाते हैं, लेकिन बॉडी देने का अब सवाल नहीं होता है। और हम चाहते हैं और सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये सब देख के बहुत खुश है क्योंकि तब से इतने टेररिस्ट हमने सुना नहीं कि और टेररिस्ट वहां उभरे हैं, हमें नहीं पता है पूरी तौर पे क्या है, लेकिन ये सुनने में नहीं आया कि जहां का टेररिस्ट मर गया हो उसके गांव के अगल बगल से 4 लोग और आ गए। पहले तो ये एक दिन में ही जाहिर हो जाता था क्योंकि उनके माँ बाप जो थे वो पुलिस में कंप्लेन कराने आते थे कि हमारा बच्चा जो है वो मिसिंग है, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। जी आपने जो मिसाल दी कि जब ओसामा बिन लादेन को दफनाया गया तो ये प्रेसिडेंट अमेरिका से सेट हुआ कि अब हमें ग्लोरिफिकेशन नहीं करनी टेररिस्ट की, और उसको में आपने उसको दफना दिया गया। तो लेकिन भारत में जिस तरह कश्मीर की समस्या हमने देखा, तो यहाँ की हमारी पॉपुलर सरकारों में ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा कर पाए और बकायदा जो टेररिस्ट होते थे उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, उस टेररिज्म को जिस तरह से उनके जनाजे निकाले जाते थे। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कश्मीर में बहुत बदलाव आए हैं। अब आप अगर हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि बुरहान वानी का जो मामला था उसके उसके बाद कम से कम 5 महीने तक कश्मीर में लाइफ रुक गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत ही भयानक नजारा था। और अभी अभी मैं आपको मिसाल दूं कि कैसे सब ऑर्गेनाइज होता है,
ये जो जो स्टोन पेल्टिंग होती है वो कैसे होती है, ऐसा मत समझिए कि लोग सोते सोते उठ के आ जाते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है। तो मैं तो कश्मीर से हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर की जमीन जो है वो पथरीली नहीं है। अगर आप किसी को पत्थर फेंकना भी चाहते हैं गांव में ही सही, आपको पत्थर जमीन में नहीं, वहां की चिकनी मिट्टी है। तो पत्थर अपने आप नहीं आते, पत्थर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनको पैसे दिए जाते हैं, कायदा एक जगह पे जमा होते हैं, फिर उनको SMS से मैसेज गया था। ये बुरहान वानी की डेथ के बाद जो आप बता रही हैं, ये मैं तब की बात कर रही हूँ। तो उस समय क्या था, एक बहुत ऑर्गेनाइज एक्टिविटी थी पत्थर फेंकना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही नहीं, जो गाड़ी गाड़ी चलाते थे सड़कों पर, जो जिन्हें अस्पताल जाना होता था, काफी लोग उसमें भी मर गए थे बुरहान वानी की डेथ के बाद। 5 महीने उन्होंने स्कूल बंद रखे, स्कूल कोई खोल नहीं सकता था, एक दहशत का माहौल जो है उस सड़कों पे उन्होंने खड़ा कर दिया था। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि आप देखिए 5 अगस्त को सरकार ने बिल्कुल कश्मीर का जो फंडामेंटल्स है वो चेंज कर दिया, आर्टिकल 370 को रिमूव करके, और उसके बाद ये सब एक्टिविटी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पुलिस फोर्स में बहुत ज्यादा आ गई, जितनी पहले थी उतनी उतनी अभी भी है, उससे शायद कम भी कर दी है। अभी IGBP की काफी कंपनीज वापस चली गई हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टेररिज्म भी हो रहा है लेकिन हम टेररिस्टों को मार भी रहे हैं, लेकिन पब्लिक रिएक्शन जो है पथराव की सूरत में या लाइफ को डिस्टर्ब करने की सूरत में ये नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेट को डिसरप्ट करने का, पहले जो 2-4 महीने इंटरनेट बिल्कुल कश्मीर में नहीं चला अगस्त के बाद, अगस्त 5, वो इसीलिए था कि ये जो पत्थरबाज है इनको ऑर्गेनाइज ना कर दे। उसमें देखिए क्या इनकी फितरत होती थी कि टेररिस्ट जब आएंगे, बच्चे जब आएंगे सड़कों पे पत्थर फेंकेंगे, जाहिर है कहीं ना कहीं पुलिस फायरिंग होगी, उसमें कोई ना कोई जख्मी होगा, कोई ना कोई मरेगा, और ये फिर बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाके ले जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा। इस बार ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम पड़ गया है कि ये सब काम कैसे होता है और उनके पास पूरी अथॉरिटी है। अगर वो चाहते हैं कि 4G नेटवर्क ना खुले तो नहीं खुल रहा है। नहीं, आपने बहुत अहम बात बताई कि जो पत्थरबाज है वो भी पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब किया जाता है, उकसाया जाता है, फिर वहां कुछ ना कुछ किसी की डेथ होती है, तो फिर एक से उन्हें मौका मिल जाता है जनाजा निकालने का ग्रैंड तरीके से, फिर वो कई उस तरह से टेररिस्ट आउटफिट्स में को युवा जाके उन्हें फिर ज्वाइन करेंगे। बकायदा जिस तरह आप अपने लेखों में भी लिखती रही है कि भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं इस दौरान, लोगों को प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया जाता है, बंदूक लिए आतंकवादी उस पूरे जनाजे में खड़े होते हैं, उसको इतने ग्रैंड लेवल पे किया जाता है कि जो युवा है उनको लगे कि ये बहुत ही मोटिवेशनल उनके लिए इवेंट बना दिया जाता है। मतलब आप दिमाग से खेल रहे हैं युवा के और जानबूझकर स्थितियों को खराब रखा जा रहा है। ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है। देखिए यंग जनरेशन कश्मीरी बच्चों की है जो कि वहां एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम है, वो इसलिए भी कम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ नहीं पाया, 20 साल टेररिज्म रहा। आप खुद सोच सकती हैं कि प्राइवेट सेक्टर वहां नहीं आ पाया, इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई, तो अब जो नौकरियां हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और पूरे विश्व में सरकार के पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां सारी प्राइवेट सेक्टर में है। तो 30 साल जब ये डिस्टर्ब सिचुएशन रही तो वहां एम्प्लॉयमेंट जो है के चांसेस काफी कम हो गए, तो उसकी वजह से काफी बेरोजगारी है। इनफैक्ट कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो, और ऐसे बच्चे बेकार हैं जिसके पास नौकरी नहीं है और उसको सामने दिखता है उसके पास एंटरटेनमेंट का बहुत साल कोई साधन नहीं था, कोई सिनेमा नहीं चलता था, कोई पार्लर नहीं जा सकते थे, उस तरह के साधन भी कई साल तक नहीं रहे जब तक इंटरनेट आ गया, और उसके बाद वो एकदम सडनली देखता है कि एक टेररिस्ट था जिसको आज मरने के बाद इतनी इज्जत मिल रही है कि ये तो बहुत ही, और कहा जा रहा है कि ये तो जन्नत जाएगा, ये तो बिल्कुल इसको तो स्वर्ग के दरवाजे इसके लिए खुले हैं। आप सचमुच जैसे आपने कहा कि उसके जहन से ना टेररिस्ट तो खेल ही रहे थे, उनका तो खेल ही यही है कि और बच्चे हमारे साथ जुड़े और ये लगे कि ये कश्मीर की फाइट है, कश्मीरी अपने किसी खास हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार सरकारों को भी ठहराऊंगी। देखिए सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं को भटकने ना दे,
और सरकारें जो है वो डर जाती थी एकदम कि अगर हमने कुछ ऐसा ऐसा काम किया, टेररिस्ट की बॉडी को उसके घर में इतने बड़े जनाजे के साथ दफनाने ना दे, तो हम इनके किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं था, आप लड़कों को गुमराह करने में शामिल थे। तो ये जितनी भी हमारी चुनी सरकारें अभी तक है, उन सबको मैं दोषी मानती हूँ कि आपने एक पूरी जनरेशन को गुमराह कर दिया। बच्चे कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, नौकरी तो है नहीं, तो ये सही है, टेररिज्म इज्जत तो मिलेगी आपको। और देखिए, बंदूक का रोमान जो होता है, एक एक खास एज लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बंदूक को छूना, उसको पकड़ना, उसकी पावर दिखाना, और जब मरने के बाद पूरी दुनिया आपको शहीद बोलती है, आपके जनाजे पे इतना बड़ा सा जलसा होता है, तो ये यूथ को बहुत बहकाने में इसने बहुत अहम रोल अदा किया है, और उसमें सरकार का उतना दोष है जितना कि टेररिस्ट या पाकिस्तान का है। जी, तो जितनी भी लोकप्रिय सरकारें रही पिछले 30 सालों में, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कड़ी को पकड़कर उसे सुलझा पाए, उसे रोक पाए। जिस तरह आपने बताया कि पूरा एक विशेष सर्कल है, आपने बहुत अहम बातें बताई कि ये पत्थरबाजी का जो पूरा खेल जो इंटरनेशनल लेवल तक चला जाता है, कश्मीर में पत्थर नहीं मिलते, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा पूरे विशेष सर्कल में युवाओं को डाल दिया जाता है कि किस तरह से वहां नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आ नहीं सकता, तो अब सरकारी नौकरियां अपनी है नहीं, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं देंगे, तो युवा भटकेंगे ही, उन्हें गलत दिशा दी जा रही है, गलत माहौल दिया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि माहौल ज्यादा ताकतवर होता है, किस माहौल में आप रह रहे हैं वो आपकी दिशा तय करता है। अब कश्मीर में पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है इस दौरान, और जिस तरह से सीमा पार से जो आए आतंकवादियों को दफन करने से स्थानीय मौलवी भी उनकी जो फ्यूनरल प्रेयर है उसको पढ़ने से मना कर देते हैं, उसके बावजूद जो वहां की हमारी आर्मी है या स्थानीय पुलिस है वो बकायदा जो रिलीजियस रिचुअल्स है उनसे उनको दफनाती है, और आतंकवादियों को दफनाया जाता है बकायदा जो भी उनके फ्यूनरल के तरीके हैं उनसे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब वो पाकिस्तान, मोस्टली पाकिस्तान के होते थे, लेकिन कई कुछ और देशों से भी 90 के दशक के एंड में आने शुरू हो गए थे। और मैंने खुद देखा है, एक जगह उरी में मैं गई थी एक ऑपरेशन कवर करने के लिए, वहां 3 दिन ऑपरेशन रहा और उसमें 40 आतंकवादी मर गए थे, और वो पहाड़ थी, पहाड़ से जो है पहाड़ के बीच में एक दरार सी थी, उसी के अगल बगल में वो लोग मर गए थे। और मुझे उरी सेक्टर में, नॉर्थ कश्मीर में हुआ था ये, मुझे जान के इतना आश्चर्य भी लगा, थोड़ा गर्व भी हुआ अपनी फौज पे कि उन 40 लोगों में से ज्यादातर जो थे पाकिस्तान के थे, कुछ कश्मीरी भी थे उसमें, उन सबको नीचे लाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। उन सबको मौलवी जी को उधर लिया गया, मौलवी ने मना कर दिया मैं नहीं जा सकता, उसको बड़ा मुश्किल से पकड़ के लिया गया, या शायद आर्मी का मौलवी उनके पास भी होते हैं, वहां जाके एक एक को वहीं दफनाया है। और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, आर्मी के पास या जो भी फोर्स ने वो तो ये वाला ऑपरेशन जो था ये आर्मी ने किया था, और उनके पास सब डॉक्यूमेंटेड है, उसके पास क्या आइडेंटिटी मिली, वो कहाँ का रहने वाला था, उसके मुताबिक वो सब लोग आइडेंटिटी कार्ड कैरी करते हैं, उन सबको इतनी इज्जत से और प्रॉपर जो जो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं उससे दफनाते थे। इससे ज्यादा टॉलरेंस मुझे नहीं लगता कि कोई और देश या कोई और आर्मी या बीएसएफ या पुलिस वाले दिखा सकते। और वहां के बड़गाम में ऐसा किस्सा हुआ है, बड़गाम एक सेंट्रल कश्मीर का हिस्सा है जहां पे भी काफी अफगान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह के टेररिस्ट आए थे एक जमाने में, लश्कर ए तैयबा तब नई बनी थी, तो ये लोग बहुत खूंखार थे, ये ज्यादातर अफगान ट्रेन थे, और इनका इनकी जो खासियत थी, ये मैंने खुद कवर किया है ये फिनोमिनल, इनकी खासियत ये थी कि ये लड़कियों के स्कूल को जला देते, तो समझ नहीं आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को ये हो क्या रहा है उनका, क्योंकि वो अफगान ट्रेन थे तो उनको ये बताया गया था कि लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जा सकती। ये तालिबान इरा की बात कर रही है जब वो हुकूमत कर रहे थे वहां, तो उन लोगों को काफी जब मर जाते थे तो बड़गाम के लोग जो थे और वहां के जो क्लैरिक्स थे वो कहते थे हम इनको नहीं दफनाएंगे, आर्मी या पुलिस को रिक्वेस्ट कर करके या अपने मौलवी लाके फिर इनको दफनाया जाता था। बार बार ऐसे भी हुआ है कि लोकल्स ने कहा कि नहीं हमारे कब्रिस्तान में इनको नहीं दफनाया जाएगा। ये
पर्टिकुलर एरियाज में होता था, बाकी हर जगह नहीं होता था। खासकर बड़गाम में ये मैंने खुद अपने अपने खुद ही देखे ये ऐसी बातें हुई है। तो लोगों को भी लगता था ये क्या करने आते हैं। देखिए ये तरीके होते हैं, आम इंसान बंदूक से बहुत डरता है क्योंकि आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस की 24 घंटे हिफाजत नहीं कर सकते, उन्हें लोगों के बीच में रहना है। उसके बावजूद ये छोटे छोटे तरीके हैं दिखाने के कि हमें आतंकवाद से परहेज है, हमें नहीं चाहिए ये कोई पाकिस्तान का है, कोई अफगानिस्तान का हमारे लिए जंग लड़ना है, हमें नहीं चाहिए। ये उनका एक तरीका होता था दिखाने का कि नहीं आतंकवाद हमें नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसने कश्मीर में लगभग 3 दशक तक शांति को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद अब हम ये नई नीति नए बदलाव देख रहे हैं कश्मीर में, और इसका लगता है कि लंबा असर होने वाला है। अगर नए जिस तरह से अगर ये ग्रैंड फ्यूनरल्स नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर लोगों में एक वो जो माहौल है उसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आएगा। पाकिस्तान तो बहुत कोशिश करेगा कि ये बदलाव ना आए, और उनकी जो कहानी चल रही थी वो चलती रहे। लेकिन इस समय हमें ये दो एडवांटेज है, एक ये एडवांटेज है हमारी फोर्सेस को, और जो सिक्योरिटी मैटर से डील करते हैं, एक तो उनके पास 30 साल का तजुर्बा है, वो पाकिस्तान की या टेररिस्ट की हर एक चाल को समझते हैं, वो क्या कर सकते हैं उनको बिल्कुल समझ है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं इस समय दिल्ली के लोग ही हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उनको डायरेक्शन मिल रही, उनको फुल सपोर्ट है। ऐसा कोई नहीं है कि लोकल पॉलिटिशियन आके कहे नहीं नहीं आप फलां की बॉडी दे दीजिए, वो हमारे लिए पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, ऐसा इस समय नहीं है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एडवांटेज है, इसीलिए वही वजह है कि इतने 70 टेररिस्ट इस साल मरे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी जिसकी तरफ सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही और जिसके लिए सरकार को प्रोएक्टिव मुझे लगता होना चाहिए, वो है बच्चों को वहां डी रेडिकलाइज करना। कश्मीर में बच्चा बच्चा जानता है, आप किसी से बात कीजिए, मैं कश्मीरी मुस्लिम्स की बात कर रही, वो आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे जो है वो तो हमारे बस में ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से कहीं से उनका तो सोच ही अलग है, वो क्या सोचते हैं जिहाद के बारे में, वो रेडिकलाइज हो गए हैं, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का कंप्लीट हो गया काफी लोगों। तो माँ बाप जो है वो बच्चों से डरते हैं, वो बच्चों से बात नहीं कर पाते, ये कि पता नहीं ये क्या सोच रहा है बच्चा। तो ऐसे मेरे तो बहुत दोस्त है वहां पे, उनसे भी ये किस्से सुनती हूँ, उनके बच्चों की बातें सुनती हूँ। तो ये भारत एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ ये सब हुआ है, ये बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ये हुआ है, अफ्रीका के कितने देशों में हुआ है। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक थे, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने डी रेडिकलाइजेशन शुरू किया। वहां पे एक अफ्रीकन कंट्री, मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे तो मुस्लिम इमाम जो है ना, औरतों को इमाम बना दिया गया है कि औरत जो होगी जब वो इमाम बनेगी, जब फ्राइडे को वो सरमन देगी तो वो ऐसा सरमन देगी कि बच्चों को ठीक कर दे, और उसका बहुत अच्छा असर हुआ है, अच्छा असर हुआ है। उस देश में रेडिकलाइजेशन थोड़ी कम हो गई है। तो सारी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ डी रेडिकलाइज जो रेडिकलाइज हो गए डी रेडिकलाइज हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में कश्मीर में अभी तक सरकार ने इस बात से, इस मसले से हाथ धो लिए कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो शायद अगर हम कुछ करेंगे तो ये कहा जाएगा कि देखिए इस्लाम में दखल अंदाजी है, ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, आपको जो 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 धार्मिक गुरु हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, एनजीओ की मदद लेनी चाहिए, और बच्चों को डी रेडिकलाइज करने का बाकायदा काम शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपका बच्चा अगर बंदूक नहीं लेके आपको मार रहा है लेकिन उसकी सोच इतनी अजीब हो चुकी है कि उसके माँ बाप भी उससे डरते हैं, ये बहुत ही भयानक बात है। और कश्मीर के लोग इससे जूझ रहे हैं, सरकार को उन्हें इससे निकालना है।
ये आपने बहुत अहम बात कही कि जो बच्चे हैं उनको डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है। जो माँ बाप है वो भी डर रहे हैं अपने बच्चे से बात करने से, उनको नहीं पता कि उनका बच्चा क्या सोच रहा है, लेकिन वो सोच आ कहाँ से रही है, कहाँ से ये टेररिस्ट आउटफिट्स जो है वो बच्चों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं, किन जरियों से, और कैसे वो उनके ब्रेन को वॉश करने में लग जाते हैं। देखिए टेररिस्ट, ये जो टेररिज्म है अभी तक पूरी दुनिया में समझ आ गई है कि ये एक बहुत बड़ी चाल है, ये इसका कोई आका है, कोई एक सोच है। कुछ मुल्क जो है शुरू में तो सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क भी इसके इसके सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन अब वो इससे हट गए हैं क्योंकि उन्हें लगा इसके नुकसान हमें ज्यादा है। तो और भी कई फोर्सेस होंगी जो इसके पीछे है। तो एक तो टेररिस्ट होता है जो आता है लड़ता है, वो इस्तेमाल होता है, लेकिन जो दिमाग होता है वो कहीं किसी और का होता है। जैसे जैसे उसामा बिन लादेन था, लेकिन वो लड़ा नहीं, लेकिन उसने पता है कितनी बड़ी फौज खड़ी कर दी और कितना पूरे मुल्क पूरे विश्व को उसने मुसीबत में डाल दिया। तो ऐसे ही कुछ सोच वाले लोग हैं, लेकिन पूर्णिमा अब ये देखने की बात है कि वो लोग जो है टेररिस्ट आके आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आएगा किसी को मारेगा, खुद मर जाएगा, चला जाएगा। लेकिन इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा साधन है बच्चों को रेडिकलाइज करने का पूरे दुनिया में। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, यूरोप में लड़कियों को कितना रेडिकलाइज कर दिया है, जो जो नॉन मुस्लिम्स थी उनको रेडिकलाइज किया है, और बहुत तरीके से ही काम होता है। इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं, वो खेलते हैं, और बच्चे चूंकि इंटरनेट पे लगे होते हैं आजकल, तो इंटरनेट से सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरा जो कश्मीर में नोटिस किया गया था, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जो लोकल कुछ जहादी लोग थे, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, वो बहुत हावी हो गए थे बच्चों पे, वो इतनी इमोशनल स्पीचेस करते थे और उनकी क्लिप जो थी वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती थी, और उससे भी काफी बच्चे जो है वो रेडिकलाइज हो गए हैं। ऐसा देखिए कश्मीर के हालात 30 साल से बहुत बुरे रहे हैं, किसी ना किसी सूरत में वहां पे नॉर्मलसी नहीं रही है। लोग जो है एक जनरेशन पूरी एबनॉर्मल सिचुएशन में पली बड़ी है, नौकरियां नहीं है, आज स्कूल बंद हो रहा है, आज हड़ताल है, कल पहले तो एक जमाने में हुर्रियत था, दूसरे दिन हड़ताल की कॉल दे देती थी, स्कूल नहीं है आपका, तो एक माएं जो है वो बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजती थी, नहीं नहीं मत जाइए, कुछ फायरिंग हो जाएगी तो क्या करोगे। तो पूरी कहने का मतलब है कि पूरी जनरेशन एक बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन में पली पड़ी है। तो उनका सहारा क्या होता था, माँ जब कहती है चलो घर बैठे तुम मत जाओ बाहर, कोई फायरिंग ना हो जाए, तो वो बच्चा लैपटॉप लेके अपना अपना मोबाइल लेके, जैसे कि हमारे बच्चे भी यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, बहुत बड़ी एडिक्शन है उनकी, लेकिन उसका फायदा उठाया जो उनको रेडिकलाइज करने में लगे थे। और पुलिस ने आइडेंटिफाई की है, जो बुरहान वानी की डेथ के बाद जो हंगामा हुआ था 5 महीने कश्मीर में, उससे पुलिस को काफी चीजें पता चली हैं कि कैसे व्हाट्सएप के कॉल्स के जरिए ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे जिनसे पत्थरबाजों को ऑर्गेनाइज किया जाता था, और कौन कौन ऐसे मौलवी हैं, स्पीकर्स हैं जो कि रेडिकलाइज करते हैं, उनकी स्पीचेस रिकॉर्डेड हैं, उनको कईयों को पकड़ा गया है, कईयों को जेल में भी अब डाला गया है। तो एक वजह वो भी है पूर्णिमा, ये जो सरकार ने 4G ना देने का जी बिल्कुल बनाया हुआ है, वो भी एक वजह है, विच इज सैड, जो कि क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आप 4G खोल दिए तो वो फिर से अपने काम में लग जाएंगे। तो मेरे कुल कहने का मतलब ये है कि वहां पे इंटरनेट बहुत बड़ा जरिया है बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए। तो शायद मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंटरनेट यूज करके ही आप उनको डीरेडिकलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सोसाइटी पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सोसाइटी जो इस समय है कश्मीर की टूटी हुई सोसाइटी है, सब लोग एक दूसरे पे शक करते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होगी ये कहने की चलो मैं बच्चों को डीरेडिकलाइज करता हूँ, क्योंकि वो समझा जाएगा कि इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। तो एक बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है जी। तो सरकारें भी पिछले 3 दशक में हिम्मत नहीं कर पाई कि वो वहां के हालात में कुछ बदलाव ला पाए, वो लोगों का गुस्से से डरती थी। और आपने कई अहम बातें कही कि डी रेडिकलाइज करने की बच्चों को जरूरत है, कच्ची मिट्टी होते हैं उनको, उन तक अगर इंटरनेट की पहुंच है, और ये जो आतंकवादी ताकतें हैं ये अपने रास्ते ढूंढ लेती हैं कि कैसे बच्चों तक पहुंचना है, या किस तरह से आप बंदूकें लेकर और आप पूरे
ग्रैंड वे में एक फ्यूनरल निकाल रहे हैं, आप माहौल तैयार कर रहे हैं, बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि कितना मतलब आपके लिए बहुत महान काम है, अगर आप मर भी जाएंगे तो आपका जनाजा इतने शानदार तरीके से निकाला जाएगा कि आप बहुत महान कहलाएंगे, ऐसा ऐसा उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है। और कई चीजें में ये भी अब जब हम ये पूरी सब बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के बाहर नहीं जा सकते, मुझे याद है कि जब महिला पत्रकारों के लिए एक बार FTII ने वर्कशॉप की थी, तो वहां पर जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कश्मीर के जब हम युवाओं को हमने फिल्में दिखाई तो वो बिल्कुल चिपक के फिल्में देखते रहे क्योंकि वहां सिनेमा का सुविधा नहीं है। तो शायद कई तरीके ऐसे हो सकते हैं कि जो युवा है अब क्योंकि एक विशेष सर्कल बन चुका है, उनके पास नौकरियां नहीं है, साधन नहीं है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो वो कहीं ना कहीं इन फोर्स इन जो ताकतें हैं आतंकवादी ताकतें हैं उनको भी पता है कि कैसे उनको बच्चों को उसमें फंसाना है। तो कई तरीके सरकार निकाल रही है इस दिशा में और जिस तरह से कश्मीर पॉलिसी को लेकर शिफ्ट आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी पर स्टिक रहे कि नो ग्रैंड फ्यूनरल्स फॉर टेररिस्ट इन फ्यूचर्स। तो अगर इस तरीके से आगे चीजें बढ़ती रही और जो कड़ियां हैं जहां से आतंकवाद की जड़ें कायम हो रही है उनको अगर रोका जाता रहा तो शायद कश्मीर में वापस शांति बहाली हो सकती है। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पॉलिटिकल विल पावर चाहिए जो अभी दिख रही है, हो सकता है इनकी धीरे धीरे ये चीजों को लेना, अभी इन्होंने एक चीज लिया है और उसके बाद वो दूसरी चीज को ले, और हम उम्मीद करते हैं कि डीरेडिकलाइजेशन पे मोदी सरकार काम करेगी, और लेकिन वो सही दिशा में जा रहे हैं। जो जो सिक्योरिटी अपरेटस के लोग हैं वो लोग काफी खुश हैं, उनको लग रहा है कि बिल्कुल पहली बार उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है, उनको उनके हाथ बंधे हुए नहीं है, और वो काफी, क्योंकि मेरा रब्ता बहुत लोगों से रहता है कश्मीर में, आम लोगों से भी, सिक्योरिटी में जो एंगेज है उन लोगों से भी, तो वो सब काफी खुश दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान ना कर पाए तो अभी सब बेहतर तरीके से चल रहा है और हालात आने वाले दिनों में ठीक हो सकते हैं। हो सकता है बीच में कोई फ्लेयर अप आ जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो है वो माहौल ठंडा होता दिख रहा है, क्योंकि लोगों को भी अब क्लैरिटी है कि ये हो रहा है, इसकी वजह से ये होगा, आर्टिकल 370 रिमूव हो गया तो हो गया, कुछ नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ, और उसके बाद आर्टिकल 35A खड़ा खत्म हो गया तो ठीक है, हो गया, तो उतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा हुआ जितना कि एक तरह से ये हवा बनाए जाते थे। ये सब आम लोग साफ सुथरी शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, और जब कश्मीरी लोगों को समझ आ गई कि सरकार उस पर पहल कर रही है, सरकार फर्म है कि ये होगा, तो लोग आपके साथ रहते हैं, लोगों को भी क्लैरिटी चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था, जब मैंने पत्रकारिता कश्मीर में शुरू की थी, हम हैरान होते थे कि जो हिंदुस्तान के साथ लोग दिखने लगते थे नॉर्मल तरीके के लोग, उनको पीछे धकेल दिया जाता था, और जो पाकिस्तानी दिखते थे उनका फेवर किया जाता था सरकार की तरफ से, शायद सरकारें भी डरती थी, लेकिन अब वो माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है मोदी सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। जी, तो जाहिर तौर पर सरकार सही दिशा में चल रही है कश्मीर में शांति बहाली की दिशा में, और जो हमारी कश्मीर पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं वहां हम देख रहे हैं कि लगातार जो कड़ी दर कड़ी है उसको जोड़कर समाधान की ओर बढ़ा जा रहा है। जिस तरह आपने बताया कि इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना कि बच्चों को रेडिकलाइज करने का, तो उस दिशा में भी कदम उठाए गए और सरकार एक एक करके जहां जहां उनको दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स है उन पर टच करके समाधान ढूंढ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपर्ट से, जैसे आपने कहा, बात करे सरकार, उनसे ओपिनियन ले, उनसे राय ले, वहां जो है बच्चों को डीरेडिकलाइज करे, और इस तरह के जैसे अब इस तरह के स्टेप लिए, उन्होंने देखा कि किस तरह से ज्यादा युवा हैं वो अचानक गायब होके फिर टेररिस्ट आउटफिट में सरफेस हो जाते हैं, तो उनकी क्या क्या वजह थी उनको उन्होंने तलाश कर उस दिशा में समाधान ढूंढ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज आगे भी कायम रहे और कश्मीर में आगे भी शांति बहाली हो और युवा जो है वो मुख्य धारा से जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आशा खोसा जी हमसे बात करने के लिए, सीनियर जर्नलिस्ट, और कश्मीर पर आपकी एक्सपर्टीज है जो आगे के कार्यक्रमों में हम आपसे इस मुद्दे पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।